अच्छा चलो बस शांति रखो, आ जाओ मेरी बात सुनो इधर गौर से। हमने सबसे लास्ट फीचर किया था, लास्ट फीचर वाज द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसका एक छोटा सा शेड्यूल बनाया था, उसके बाद हमने छोटा सा उसका डायग्राम बनाया था, ठीक है जी। और उसका रीजन भी लिखा था बिकॉज द प्राइस इज कॉन्स्टेंट। मैंने कहा था इज देयर एनी अदर रीजन, तो आप लिखो रीजन नंबर टू। इसका दूसरा रीजन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर किसका रीजन है? व्हाई द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम उसके रीजन लिख रहे हैं, उसके रीजन। तो पहला रीजन हमने लिखा कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी बिकॉज प्राइस इज कॉन्स्टेंट। दूसरा रीजन लिखो, रीजन नंबर टू, होमोजीनियस प्रोडक्ट। लिखो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द नंबर ऑफ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट That's why the price is constant. Price तभी constant रहेगा, और price constant रहेगा तो क्या होगा? ठीक है जी, the demand will be a straight line parallel to x-axis. ठीक है जी, लिख दो पूरा। The demand curve will be straight line parallel to x-axis. Horizontal straight line, लिख लो, parallel to x-axis. हो गया जी। चलो और कोई रीजन आपके दिमाग में आ सकता है? एक तो प्राइस कॉन्स्टेंट था, इसलिए ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी था। दूसरा आपने कहा सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, था तो यूनिफॉर्म प्राइस था, वही बात आ गई घूम के। और कोई बात दिमाग में आ सकती है? Why? Question मालूम है क्या है? Why demand curve is horizontal straight line parallel to x-axis in case of perfect competition market? Question आ सकता है अलग से चार नंबर का, अलग से फोर मार्क्स में आ सकता है। Why demand curve in perfect competition market is a straight line parallel to x-axis? तो पहला रीजन हमने क्या दिया? बिकॉज ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू बी बिकॉज प्राइस इज कॉन्स्टेंट। इस मार्केट के अंदर यू कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन अ सेम प्राइस। शेड्यूल बनाया छोटा सा हमने उस दिन, यहाँ पे शेड्यूल बना दिया। आपने बनाया शेड्यूल? शेड्यूल बनाया तो था पर नहीं बना, देखा ये प्रॉब्लम। शेड्यूल बनाओ, ठीक है जी। इसके अंदर छोटा सा शेड्यूल था, फिर हमने क्या किया इसको एक्सप्लेन किया। पहला रीजन हमने दिया प्राइस, आज मैंने आपको दूसरा रीजन बताया क्या? और कोई रीजन तो लिखो, रीजन नंबर थ्री। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये भी इसका एक रीजन है। ठीक है जी, बस इसको एक्सप्लेन आप कर लोगे, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप। हो गया तीन बातें, इसको खत्म करो इस क्वेश्चन को। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर के अंदर, इसी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक क्वेश्चन मैडम ने और पूछते हैं। लिखो मेरे साथ आप, लिखो क्वेश्चन एक और, लिखो इसी मार्केट में एक क्वेश्चन लिखो आप। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। वाई? सर ये वही कहानी होगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे दिखते हैं, कोई अलग कंपनी पे कोई वो नहीं है। अब ये मैडम अलग से क्वेश्चन पूछती हैं,
परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो प्राइस तय नहीं करती। कौन प्राइस तय करता है? इंडस्ट्री। क्या होती है? जहां बहुत सारी फर्म आई बात समझ में, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया देखा, उसको क्या बोलते हैं हम? इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बोलते ना, फर्म एरिया। क्या बोलते हैं? जहां बहुत सारी फर्म इकट्ठी जगह पे काम करती है उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। तो प्राइस कौन तय करता है? इंडस्ट्री। फर्म उस प्राइस को क्या लेके करती है? मान के चलती है जो तय कर दिया। तो हम क्या बोलते हैं? फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। मैडम मैं अलग से क्वेश्चन पूछती हूँ, तो रीजन लिखो। रीजन नंबर वन, होमोजीनियस प्रोडक्ट और लिख लो, तीन लाइन में एक्सप्लेन करना है अपने आप, सेम जो ऊपर लिखा था यार, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट लिख लोगे अपने आप से। लिखो पॉइंट नंबर टू, नंबर ऑफ फॉर्म्स। लिख लोगे अपने आप से है? बस तीन ही पॉइंट लिख लोगे। नंबर ऑफ फॉर्म्स, द नंबर ऑफ फॉर्म्स आर सो लार्ज, अगर एक थोड़ा सप्लाई ना करे या एक डिमांड ना करे फर्क नहीं पड़ता। लिख लोगे, वही कहानी लिखनी है। लिखो नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, लॉस। आइए मैं लिखवा देता हूं लॉस। तो लिखो इसके अंदर आप, इफ अ फर्म विल ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, ऑन अ लो प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देन इन दैट केस फर्म विल इनकर द लॉस, फर्म को लॉस हो जाएगा। बिकॉज बोलो क्यों लॉस हो जाएगा, बताओ। अभी बताया था मैंने, क्यों लॉस हो जाएगा सर? प्रोडक्शन उसकी जितनी भी आई है, जो है वो करने की कोशिश करेगा कि मेरी और चीजें बिक जाए, मतलब ज्यादा बिके। लिखो बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फर्म्स आर सेम। अब बोलो क्यों, वाय ऐसा क्यों, वाय? बिकॉज दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। लिखो बिकॉज दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। आप देख रहे हो घूम फिर के सारी कहानी कहां घूम रही है? नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यही कहीं यही कहानी घूमती जा रही है। तो पहले चार फीचर दिमाग में अच्छे से बिठा लो, उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इस वाले कंपटीशन मार्केट का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, ठीक है जी। यहां पे खत्म हुआ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, 7 or 8 फीचर्स। नंबर थ्री, एक मिनट सुन लो, नंबर थ्री द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल दिस फीचर्स। नंबर फोर, व्हाई डिमांड कर्व इज द स्ट्रेट लाइन, अ सेपरेट क्वेश्चन। नंबर फाइव, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा अभी? कौन सा पढ़ा अभी क्वेश्चन? पांचवा जल्दी से, फॉर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। हमने पांच क्वेश्चन पढ़े हैं इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, राइट। अगली मार्केट जो हम पढ़ेंगे वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी मार्केट है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। लिखो नया टॉपिक जो आप पढ़ोगे, टॉपिक टू, दैट इज इम्परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और मालूम है इसमें कितने तरह की मार्केट होती है? इसमें तीन तरह की मार्केट होती है, 1, 2 और 3। और कौन कौन सी? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है,
ठीक है जी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में, तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मोनोपोली का, इंडियन रेलवे। मतलब जहां एक ही सप्लायर है लेकिन एक सप्लायर उसके सामने कंपटीशन में कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें याद रखना ही कैन नॉट चार्ज एनी प्राइस, इस बात का दिमाग में ख्याल रखना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां से मान लो अगर दिल्ली जाने का किराया बाय ट्रेन 100 रुपए है और बस का भी 100 रुपीज है, आपको ट्रेन में जाना पसंद है तो आप ट्रेन में जाओगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन किराया बढ़ा देगी 150 कर देगी, आप शिफ्ट कर जाओगे किसमें? आप बस में जाना पसंद करोगे। आप इसलिए मोनोपोली के अंदर भी प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, देयर इज नो अदर सेलर, पूरी मार्केट में एक ही है। आप सोचो ना, इंडियन रेलवे का कोई तोड़ है क्या? कोई दूसरा है इंडियन रेलवे के बाहर जो अपनी रेल, जिसने अपनी रेलगाड़ी चला रखी हो? कोई है? कोई और? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है मोनोपोली का? ठीक है जी, चलो तो लिखो मोनोपोली का मतलब क्या होता है। देखो, मोनो मींस सिंगल एंड पोली मींस कंट्रोल। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब कंट्रोल। व्हेन अ सिंगल पर्सन कंट्रोल द मार्केट, इसे बोलते हैं मोनोपोली। लिखो, मोनोपोली रेफर्स टू, मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, देयर इज अ सिंगल सेलर, सिंगल को अंडरलाइन कर लो, सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेलिंग अ प्रोडक्ट Which has no close substitute, आई बात समझ में? For example, बोलो क्या दोगे example? इंडियन रेलवे, very good। Monopoly is derived From two Greek words, ये ग्रीक भाषा के वर्ड्स हैं, where mono means single and poly means control। Monopoly किसका पार्ट है जी? Monopoly is a part of, बोलो ना, is a part of imperfect competition। Imperfect competition का पार्ट है Monopoly। इसके तीन पार्ट है, तो पहला पढ़ रहे हैं Monopoly। आ जाओ फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सबसे पहला फीचर मालूम है क्या है इसका? सिंगल सेलर। पूरा लिखना है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब सोचो ट्रेन के बारे में, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेचने वाला तो एक है लेकिन खरीदने वाले हजारों हैं। आई बात समझ में आपको? बेचने वाला एक है, ट्रेन एक है ना इंडियन रेलवे, लेकिन सफर करने वाले उसमें करोड़ों लोग, रोज के ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ लोग जो है ट्रेन में सफर, डेली के, जब ट्रेन चल रही थी एक दिन में 2-3 करोड़ इंडियंस रेलवे में सफर करते हैं रोज का, समझे आप? तो आप हिसाब लगाओ, बेचने वाला एक और यूज करने वाले कितने। इसीलिए इसका पहला फीचर यह है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लिखो इसके अंदर फीचर जल्दी से। इन दिस कंपटीशन, देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग a product which has no close substitute,
which has no close substitute. In monopoly, अच्छा मेरी बात सुनो, फर्म क्या होता है? फर्म एक कंपनी. इंडस्ट्री क्या होती है? आपको लगता है कि मोनोपोली के अंदर फर्म और इंडस्ट्री हो सकती है? नहीं हो सकती. एक ही तो कंपनी इंडियन रेलवे, एक ही है और वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है. तो इन मोनोपोली देर इज नो फर्म एंड देर इज नो इंडस्ट्री, मतलब बोथ आर सेम. मोनोपोली के अंदर हम फर्म और इंडस्ट्री को सेपरेट नहीं मानते, बोथ आर सेम. वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है. इन मोनोपोली देर इज नो फर्म और इंडस्ट्री, लिखो बोथ आर सेम. अ मोनोपोली फर्म इट्सेल्फ इज द प्राइस मेकर एंड द प्राइस टेकर. ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना क्लियरली आपको? समझ में आ रही है बात क्लियरली? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? क्या काम बने? वही प्राइस मेकर है और वही प्राइस. अब मैं ही हूं अकेला बेचने वाला, तो मुझे प्राइस कौन देगा? मैं ही तय करूंगा ना प्राइस. मैं ही प्राइस मेकर हूं और मैं ही प्राइस टेक करूं. वहां पे प्राइस मेकर कौन था? परफेक्ट के अंदर कौन था? और प्राइस टेकर कौन था? यहां तो इंडस्ट्री है ही नहीं. यहां पे ना तो कोई इंडस्ट्री है ना तो कोई फर्म है, दोनों एक ही चीजें हैं. फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ही फर्म है, क्योंकि बिजनेस ही एक है भाई. जहां बहुत सारे बिजनेस इकट्ठे हो जाए वो बन जाती है इंडस्ट्री, पर यहां तो एक ही बिजनेस है, एक ही आदमी बेचने वाला है, एक ही आदमी है जो प्राइस तय करेगा. सो फर्म जो है वही इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्री है वही फर्म है. सो फर्म इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर. यहां कोई प्राइस तय नहीं करता, खुद मोनोपोली ही प्राइस तय करती है और मोनोपोली ही प्राइस पे बेचती है. ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा प्राइस नहीं चार्ज कर सकती, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मोनोपोली है, मैं जो चाहे जिस प्राइस पे बेचती हूँ. ऐसा पॉसिबल नहीं होता मोनोपोली के अंदर, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट लिखो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सेकेंड फीचर. इसकी इंप्लीकेशन की जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है इसमें. अगला लिखो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. लिखो, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोली फर्म हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. सो अच्छा, किसी चीज के अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो क्या होगा? बोलो ना क्या होगा? कोई डर नहीं होगा. किस चीज का डर है? किस चीज का डर नहीं होगा? कॉम्पिटिशन नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आप अकेले ही करता धरता हो, तो कोई भी आपका कंपटीशन है ही नहीं. अभी देखो ना, पेप्सी का कंपटीशन किसके साथ है? कोलगेट का किसके साथ है? बाटा का किसके साथ है? दूसरे शूज के साथ है ना, नाइक के साथ, अलग के साथ. ये कंपटीशन में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द सीरियस, मतलब हर प्रोडक्ट का. वहां फेयर एंड लवली आती है तो उसके कंपटीशन में पॉन्ड्स की क्रीम आ जाती है तुरंत हाथ के हाथ. कितना सीरियस कंपटीशन है. लेकिन रेलवे का कंपटीशन किसके साथ है? किसी के साथ? किसी के साथ है इसका कंपटीशन रेलवे का? किसी के भी साथ नहीं है. मतलब ये मोनोपोली है. जब मोनोपोली है एंड यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो सब्स्टिट्यूट, देन यू आर नॉट इन अ कंपटीशन विद एनीवन. तो लिखो जल्दी से, कहां लिख रहे थे आप? सो द मोनोपोली फर्म हैज नो फियर of competition in the market. Sorry, however,
सर ये तो रही चलो इंडियन रेलवे की बात होगी, सर कोई प्रोडक्ट वाली भी है कोई चीज? लिखो ही लिखो ना, हाउ एवर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मोनोपोली मे हैव डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत दूर का, नजदीक का नहीं लेकिन दूर का, ठीक है जी। लो बस आप ये दो ही पॉइंट पढ़ोगे, मोनोपोली के बारे में पढ़ोगे, ठीक है जी। जब कल आओगे तो मैं आपको इसके बारे में पूछूंगा, फाइन। चलो अच्छा रुको, 5 मिनट बैठना, अभी जाना नहीं, 1 मिनट बैठना।